हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है शिवरात्रि और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ। बिकॉज अभी क्या हो गया ना कि मन नहीं होता शूट करने का, एडिटिंग करने का, बहुत बोरिंग सा लगने लगा है। बोरिंग नहीं, मतलब आलस से आती है, ऐसा नहीं है बोरिंग लगता, आलस से आती है। बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा मूड सही था तो मैंने सोचा आज व्लॉग शूट करते हैं। सो आज मैं फास्ट हूँ और सुबह मंदिर वगैरह चले गए थे, तो मंदिर जाना था इसलिए मैंने सोचा साड़ी पहनते, कुछ अलग कैरी करते हैं, क्योंकि वैसे तो साड़ी वाड़ी नहीं पहनना होता, लेकिन कुछ ऐसे अकेज़न होते हैं जब हम हमारा मन होता पहनने का, और जब पहन लो तो बहुत अच्छी वाइब आती है। सो आज मैंने साड़ी कैरी किया। और तो अभी हम मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, जो भी फास्ट वाला था वो सारी चीज़ें कर ली। और तब माइंड में नहीं था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना, शूट करना, बट अभी बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घी बनाने, तो घी दिखाती हूँ मैं घी कैसे बनाती हूँ। थोड़े थोड़े क्लिप मैं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगी। और पूरा इंटायर डे मैं ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करने की, जो जो वैसे खाना वाना तो आज बनना नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही मिनिमम सी चीज़ें बनेंगी जो हम फास्ट में खाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, घी बनाती हूँ। तो ये है जार जिसको मैंने धुल लिया है, क्रीम जो मैं बना के रखी थी, मतलब जो मैं डेली दूध से निकालती हूँ ना वो क्रीम है। लेट मी शो यू, ये है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको फ्रिज से निकाले हुए, आई गेस आधे घंटे हुए, जब मैं चाय वाय पी रही थी तब मैं निकाल कर रख दी, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो अब हम इसको ग्राइंड में अच्छे से ग्राइंड करेंगे थोड़ी देर तक, जब इसका मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा क्रीम से। तो मैं दिखाती हूँ, ये जितना पूरा क्रीम है इसको मैं दो पार्टीशन में डालूंगी। तो ये जो क्रीम है इसको मैं करीब 10 मिनट तक चलाई थी, तो ये ऐसा बना था, और हम पूरे 15 से 18 मिनट तक कंटिन्यू से चलाएंगे मिक्सी को, तो हमारा बटर बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पानी अलग हो जाता है, बटर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बिल्कुल अब अच्छा हो गया है, इससे घी अच्छा निकलेगा। तो इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी निकाल लूँगी। और जब भी मैं इसे ग्राइंड करती हूँ तो मैं इसमें ठंडा पानी और आइस क्यूब ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बटर हमारा अलग होता है। और यहाँ पे सेकेंड बैच में भी बटर बहुत अच्छे से निकल गया है, तो इसको मैं छान के अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी से, ताकि जो इसकी स्मेल है वो हट जाएगी। और ये जो आइस क्यूब वाला पानी मैं बना रही, ठंडा पानी, इसी में मैं बटर को अच्छे से वॉश करूँगी, और उसके बाद मैं इसको गैस पे चढ़ाऊँगी घी निकलने के लिए।
और ये जो प्रोसेस है घी बनाने का वो थोड़ा सा लंबा है, बट इससे घी बहुत अच्छा निकलता है और बहुत ही कम टाइम में निकलता है, और जो वेस्टेज पार्ट होता है वो बहुत कम निकलता है। तो इसलिए जब भी टाइम मेरे पास होता है, मुझे लगता है कि प्रॉपर टाइम है, मूड अच्छा है, मन है, तभी मैं ये काम करती हूँ। अदरवाइज़ आप बिना मन के करोगे तो आपको बिल्कुल मन नहीं होगा करने का। इसके लिए प्रॉपर टाइम और दिमाग थोड़ा शांत होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मूड अच्छा होना चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ, जब मेरे पास अच्छा टाइम रहता है, प्रॉपर टाइम रहता है, तभी मैं ये काम करती हूँ। बट मैं घी इस तरीके से ही निकालती हूँ, क्योंकि जब निकालती हूँ तो घी बहुत अच्छा निकलता भी है और बहुत प्योरली, मुझे लगता है कि बहुत प्योरली ये काम हो रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ बनाना। ये करीब 25 दिन की मलाई थी, 20 से 25 दिन की का मलाई था और इससे मैंने इतना मक्खन निकाला था। इसको ये ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या है ना कि दो फ़ायदा होता है। एक तो हमारा जब बटर जल्दी निकल जाता है, मतलब हम आइस क्यूब वगैरह ठंडा पानी डालें तो जल्दी बटर हमारा अलग हो जाता है, और एक बार जब हमारा जो मक्खन अलग हो गया उसके बाद हम जब यहाँ पे मेल्ट करते हैं ना गैस पे, तो कम टाइम लगता है। मुझे लगता है ये जो घी है ना आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे में अच्छे से ये घी अलग हो जाएगा इससे। तो वेस्टेज पार्ट बहुत ही थोड़ा सा होता है और जल्दी ये घी निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी जो महक होती है ना बहुत ही अच्छी होती है बनने के बाद, और क्योंकि स्मेल जो आता है उसको मैंने पानी से वॉश कर लिया था, तो स्मेल कुछ भी नहीं रहेगा। इसका जो कलर आएगा ना भी बहुत अच्छा आएगा। तो मुझे याद है एक बार मेरी मदर इन लॉ आई थी जब यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे देखा था इस तरह से घी निकालते हुए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो अब जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मुझसे बोलती हैं कि वैसे घी निकाला करो जैसे मैं यहाँ पे निकालती हूँ। तो अब हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो बहुत जल्दी ये मेल्ट भी हो रहा है, दिखाती हूँ। ज़्यादा होती है, मतलब जब हम इस तरीके से घी निकालते हैं ना तो घी ज़्यादा निकलता है। तो मैं घी को चढ़ा के आ गई हूँ गैस पे, और करीब वहाँ इतने देर तक खड़े रहते रहते गर्मी होने लगी और प्यास भी लगी, तो मैं सोची कि मैं अपने आप को हाइड्रेट कर लेती हूँ जब तक घी बन रहा है। और कुछ मैं अब देखूँगी यूट्यूब पर। वैसे कुछ कुछ ब्लॉगर हैं जिनका मुझे ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा है कि एकदम पैसनेट हो गई हूँ देखना, मतलब ऐसा क्या, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ ब्लॉगर ऐसे हैं जैसे जिनको मैं देखती हूँ तो मुझे पूरा अपना बैचलर्स की पूरी लाइफ याद आती, जब मैं जॉब करती थी, जब मैं अकेले रहती थी, पढ़ाई करती थी, तो मैं कैसे मैनेज करती सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ खुद से करना, मैनेज करना, अपना रूम डेकोरेट करना, मतलब अपना पूरा सेटअप करना, बहुत अच्छा लगता है वो सब सोच के। तो जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे सब कुछ वो याद आती, पुरानी यादें, तो ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ उस ब्लॉग में और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरी पास्ट की लाइफ मुझे दिख रही है, तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं पानी पीती हूँ। और अभी जब घी बन जाएगा, मतलब जब घी सेपरेट होने लगेंगे, फिर मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे घी बन चुका है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे रख दूंगी थोड़ी देर ठंडे होने के लिए।
तो यहाँ पे घी बन चुका है और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो मैंने अपने लिए बनाया चाय और मखाने को रोस्ट किया था, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी। मैं सोच रही थी हस्बैंड आ जाते तो भी साथ में खाते, बट उनको टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा शाम की चाय पी लेते हैं। और आज मेरा फास्ट था तो इसलिए मैं जिम भी नहीं गई। और अब हो चुका है रात का टाइम, 8:15 बज रहे थे तो हस्बैंड आ गए थे। और आज वेमेंस डे था तो हस्बैंड ये कुछ कपड़े लेके आए थे मेरे लिए, तो ये खुला हुआ रखा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये दो सूट थे वो जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैं ट्राई की थी, बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहे थे। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए मैं उनके सामने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं साबूदाना भिगो रही हूँ, साबूदाने का खीर बनाऊँगी, हमारा एक फ्रेंड आ रहा है उसके लिए। और हस्बैंड आ गए थे तो कल मैं लंच चेक कर रही थी कि सब कुछ फिनिश हो गया नहीं, तो ये मखाना और जो मूँगफली वो वापस आ गई थी, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा अभी मैं चाय बनाऊँगी तो उसी के साथ में दे दूँगी। और ये बुके लेके आए थे हस्बैंड, ये बुके और दो सूट था, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि जब मैं कभी फ्यूचर में इन सब वीडियो को देखूँगी तो ये सारी मेमोरीज ही रहेंगी जो अच्छा लगेगा देख के। तो अब मैं इसके बाद बनाऊँगी चाय, पहले चाय दूँगी हस्बैंड को और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी जो दूध में मेवा डाल के बनाते हैं, मेवे वाला दूध, तो वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं मंगवाई थी कुछ फ्रूट्स क्योंकि मुझे बनाना था कस्टर्ड, मुझे काफ़ी टाइम से कस्टर्ड खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स लेके आना तो मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। तो यहाँ पे ये तो लेके आए थे, स्ट्रॉबेरी भी लेके आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्ट्रॉबेरी बहुत ही मीठे थे। तो यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स को धुल ली थी और स्ट्रॉबेरी को मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और पानी डाल के छोड़ दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी तो उसकी जो डस्ट है, जो पार्टिकल है, वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो मैं स्ट्रॉबेरी को करीब 5 से 6 बार पानी में अच्छे से डिप करके, अच्छे से हाथ से वॉश करके मैं इसको क्लीन की थी, तो इसकी जो डस्ट थी वो सब निकल गए थे, बट ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब 5 से 6 बार मुझे इसको पानी में डुबो के रखना पड़ा था। तो अब मैं बनाऊंगी मेवे वाला दूध। तो दूध गर्म हो चुका है और मेवा जो पीस के बनाते हैं उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल ले रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ मेजरमेंट तो आइडिया नहीं है, बट ऐसे अंदाजे से मैं ले रही हूँ। और मैं सोची कि शुगर बिल्कुल नहीं डालूंगी, जो डेट्स और किशमिश से जो स्वीटनेस आएगी बस मैं वही यूज़ करूँगी। तो ये सारे मैंने ले लिए थे ड्राई फ्रूट्स, इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये जो मखाना मैं रोस्ट करके रखी थी जो थोड़ा सा बचा था, यही मैं इसमें मेवे वाले दूध में और जो मैं खीर बनाऊँगी उसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे मेवे को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मेवा अच्छे से पिस गया है और जो मैं घी बनाई थी तो उसको मैं जो डेली यूज़ वाला घी वाली कटोरी उसमें मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लूँगी, और वो जो डिब्बा उसको मैं अंदर रख दूँगी। और जिसमें मैं घी बनाई थी उसी कढ़ाई में बनाऊँगी मेवे वाला दूध, तो इसके लिए थोड़ा सा घी डाल के और ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं पिस के रखी हूँ इसको रोस्ट करेंगे, मतलब भुनेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे दूध और थोड़ी देर पका लेंगे, तो उसके बाद हमारा ये मेवे वाला दूध रेडी हो जाएगा। और इसमें मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली थी। तो यहाँ पे ये मेवे वाला दूध रेडी हो गया है और ये मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देने, और उसके बाद मैं अपने लिए भी ले लूँगी
बट जब मैं टेस्ट की ना तो शुगर बहुत ही कम था, मतलब जो स्वीटनेस ही बहुत ही कम लग रही थी, तो मुझे लगा कि यार फास्ट है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी और वैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मैं अपने फ्रेंड को दी तो उसमें थोड़ा शुगर मिक्स करी थी क्योंकि वैसे बहुत ही हल्का हल्का सा लग रहा था। और ये मैं खीर बना दी उसके लिए, हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए हम लोग खीर नहीं खाए। और ये मैं बस सारे फ्रूट्स को अंदर मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और आशीष लेके आया था मेरे लिए वुमेंस डे पे ये चॉकलेट। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके बाय।